दोस्तों आज की इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं, अगर आप BNMU मंडल से PG के लिए या MA के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो उसका मेरिट लिस्ट जो है आ चुका है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी कि आप पता कर सकते हैं आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में हुआ अपने मेरिट लिस्ट के अनुसार। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप BNMU मंडल यूनिवर्सिटी से MA के लिए PG के लिए अप्लाई किए थे तो उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए, सबसे पहले उसका लाभ आप उठा सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा जिसान मॉनिटर, यहाँ पे आपको बहुत सारी आपकी काम की बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना के दे दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए हाउ टू बिकम डिजिटल पेन मेकिंग रिटेलर, ये एक APS कंपनी प्रोवाइडर है जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये सेटलमेंट तुरंत देती है बिना कोई चार्ज का, बहुत अच्छा सर्विस देती है। ये वीडियो भी देख लीजिएगा, यहाँ से आप अपने दुकान को डिजिटल सेवा दे सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए मेन मुद्दे पाते हैं। तो डिस्कशन बुक से मैंने आपको BNMU वेबसाइट का लिंक दे चुका हूँ, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो BNMU मंडल के वेबसाइट पे आप चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ MA MCOM MSc फॉर सेशन 18-19 हैज बीन पब्लिशेड, यानी कि ये जो MA का जो मेरिट लिस्ट है फर्स्ट मेरिट वो पब्लिश कर दिया गया है। तो आप किस तरह आप चेक कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है व्यू मैरिज लिस्ट एकेडमी सेशन 19 से 20। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह सेशन आपको आ जाएगा देखने को। तो यहाँ पे आपको सेशन जो ये रहने देना है 18-19, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करना है UG या PG, PG के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री, यानी कि आप किसके लिए अप्लाई किए थे, MA के लिए, MCOM के लिए, MSc के लिए। तो मैं MA के लिए किया था, MA सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो आपका कौन सा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट जैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने हिस्ट्री सिलेक्ट किया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने हिस्ट्री सिलेक्ट किया। आप जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उस सब्जेक्ट का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड बटन है, डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे, जैसे डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इस नया टैब में आपको अपना नाम खोज लेना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारा नाम है, तो इसमें आपका अपना नाम खोज लेना है, नहीं तो आप कंट्रोल एफ दबाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट का जो नाम होगा वो नाम जैसे इंटर करेंगे तो इस तरह का आप देख पा रहे हैं इस तरह का सिलेक्टेड हो जाएगा। जैसे ये स्टूडेंट है नकीब अहमद, तो इनका जो हुआ है BNMU डिपार्टमेंट, यानी कि BNMU मंडल में ही इसका एडमिशन हुआ, इसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इसका परसेंट वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब तो ये हो गया, आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में हो गया, ये आप इस तरह चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी के बाद यहाँ पे काउंसलिंग फॉर एडमिशन, फिर से आपको इस वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन PG फर्स्ट सेमेस्टर 18-19, ये नोटिस भी आपको यहाँ पे दिया गया है। इस नोटिस पे क्लिक करके इस नोटिस को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिस भी आप पढ़ लीजिएगा। अब जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया, जिस भी कॉलेज में नाम आया है तो उस कॉलेज में आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और अप्लाई करते हुए जो भी रसीद मिला तो वो रसीद लेकर आपको उस कॉलेज में जाना है, वहां जाकर आपको एडमिशन करा लेना है। तो आज की इस वीडियो में आपने पूरी तरह सीख लिया कि किस तरह BNMU का PG का मेरिट लिस्ट चेक कर पाते हैं। तो यहां पे आने की अब आपको एक तो उसके बाद आपने देख लिया आपका किस कॉलेज में सिलेक्शन हो चुका है। अब देखिए सिलेक्शन होने के बाद अपना उस कॉलेज का जो होता है लेटर, उस लेटर को डाउनलोड करेंगे। जब तक आप लेटर को डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आप का एडमिशन कॉलेज में नहीं लिया जाएगा। तो लेटर किस तरह डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आना है। तो यहाँ पर आपको एक मिलता है कैंडिडेट लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने में यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देना, जो भी आप अप्लाई करते हुए तो आपको मिला था वो दे देना, अगर भूल गए तो यहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड की भी कर सकते हैं। तो चलिए यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे कैप्चर, जो भी कैप्चर आपको शो करेगा उस कैप्चर को यहाँ फिलअप करके लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेक योर मेलिंग लिस्ट स्टेटस अप्लाई फॉर अपग्रेड, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाएगा। ये फर्स्ट मेलिज लिस्ट है, अगर फर्स्ट मेलिज लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो यहाँ पे भी आपको दिखा देगा जैसे मेलिज लिस्ट कितना मेलिज लिस्ट में है, कौन सा कॉलेज में हुआ है और ये कब तक। आप 12/10 से यानी कि आज से 12/10 से 15/10 तक एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो 12/10 से लेके 15/10 के बीच में आपका जिस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट लेके और ये मेलिस्ट ऑफर जो है ये डाउनलोड करके आपको जाना है। तो इसको किस तरह डाउनलोड करके, डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड होने में किस तरह दिखेगा। तो डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, ये डाउनलोड है। तो इस फॉर्म को लेकर और आपको जब अप्लाई करते हो जो भी आपको मिला था, ठीक है, यहाँ पे आप उस फॉर्म को भी डाउनलोड फिर से कर सकते हैं। नहीं तो अप्लाई करने के बाद आप डाउनलोड किए होंगे उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास तो फिर भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फॉर्म अभी डाउनलोड किए वो फॉर्म, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट के साथ आपको 12 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर यानी कि 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन करवा लेना है। दोस्तों उम्मीद करेंगे इस वीडियो आपको में पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।